दोस्तों, अगर सुबह सुबह उठते ही हम वॉशरूम जाएं और हमारा पेट साफ हो जाए, खाली हो जाए, तो कितना राहत मिलता है। पूरा का पूरा दिन बहुत हल्का बीतता है और हम लाइट महसूस करते हैं। वहीं अगर हमारा पेट साफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूला फूला रहता है, तो हमें बड़ी असुविधा महसूस होती है। हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारा मन नहीं लगता है और बार बार गैस निकलने की वजह से हम दूसरों की नज़रों में भी मतलब कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और आप ये बात तो मानते हैं ना कि अगर आपका पेट सही वक्त पर साफ ना हो या बहुत लंबा टाइम ऐसा हो जाए तो आपको भयानक कब्ज की समस्या हो सकती है और इस कब्ज की समस्या के कारण शरीर में बहुत से रोग पनपने लगते हैं। तो इससे बेहतर तो ये है कि कोई ऐसा परमानेंट इलाज किया जाए, जो कि आप चूर्ण खा के आपको वो इलाज नहीं मिल पाता, किसी भी तरीके की और दवाइयां खा के वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। योग आपको एक परमानेंट समाधान दे सकता है। योग अभ्यास अगर आप करते हैं तो इससे आप परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासनों के अभ्यास बताऊंगी जिनकी मदद से आपकी पूरे की पूरी अतड़ियों की, यानी पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे आपका स्टमक हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, इसके साथ आपकी किडनियाँ, आपके लिवर, ये भी बहुत अच्छी तरीके से इनको मसाज मिलेगी, इनका फंक्शन इम्प्रूव होगा, इनमें खिंचाव आएगा, इनको बहुत अच्छी तरीके से हम ट्विस्ट करेंगे, इनको साइड बाई साइड बेंड करेंगे। तो इन आसनों के अभ्यास से आपके पूरे के पूरे पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी, सारे आंतरिक अंगों का फंक्शन इंप्रूव होगा, जो मदद करेंगे आपके कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या, गैस बनने की समस्या या पेट साफ ना होने की समस्या से ओवरकम होने में। अब इन योगाभ्यासों को आप सुबह सुबह कीजिएगा, जो कि मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ। और इन अभ्यासों को जब आप सुबह सुबह करते हैं ना, तो इससे ना सिर्फ आपका पेट साफ होता है बल्कि पूरे दिन आप एक चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे, एक हल्कापन महसूस करेंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को ये योगासन सिखाने के लिए। आप बस इतना कीजिएगा कि शुरू से अंत तक ये पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा और हर एक जानकारी को अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा, सो दैट मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस जब डालूं तो आप उसको मिस ना करें और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अभ्यास इसी तरीके से जारी रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ये सारे अभ्यास आप कोशिश करें सुबह सुबह करें। सबसे पहले जैसे ही आप सुबह उठें तो आप पालती मार के या कुर्सी पर बैठकर आराम से दो ग्लास पानी पिए, ठीक है? और अगर आपके घुटने में या एंकल में दर्द नहीं है तो आराम से ज़मीन पर बैठकर इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ जाएं, ऐसे इस तरीके से, और फिर उसके बाद पानी को आराम से पिए। तो पानी पीने के बाद सबसे पहला जो योगासन हम अभ्यास करेंगे, इसका नाम है ताड़ासन। तो आपको इसमें करना क्या है कि आपने अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है कि अगर आपका बैलेंस ना बने तो आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला रख सकते हैं, और अगर फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो दोनों पैरों के बीच में एक फुट का फासला रख लीजिएगा। अब पैरों के बीच के जो डिस्टेंस है वो आप डिसाइड करें कि आप कितने में कंफर्टेबल हैं। आपने दोनों पैर की एड़ियों को और अंगूठों को जोड़ लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के करीब लाएंगे और एक दूसरे के साथ फंसाएंगे और इसको सर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। सर के ऊपर रखने के बाद अपने हाथ की हथेली को आपने छत की तरफ घुमा देना है, ऐसे, और छत की तरफ घुमाने के बाद दोनों हाथों को छत की तरफ ऐसे आपको खींचना है, और खींचने के बाद अपनी एड़ियों को इस तरीके से ऐसे उठा लेना है, इस तरीके से। जब आप अपनी एड़ियों को इस तरीके से उठाएंगे तो हाथ को और छत की तरफ, इस तरीके से हाथ को और छत की तरफ खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, आप अपनी इस तरीके से खींचते जाइए और बैलेंस कीजिए, और अपनी नज़रों को सामने फिक्स कर दीजिएगा एक पॉइंट पर, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने एड़ियों को ड्रॉप कर दीजिए, हाथ को वापस से सर के ऊपर रखिए, सांस लेते हुए हाथ को छत की तरफ खींचिए, पूरी बॉडी को छत की तरफ खींचिए और एड़ी उठाइए। अब जब आप ऊपर की तरफ हाथ खींचेंगे तो आपके पेट के आसपास की मांसपेशियों पर ध्यान लेके जाएं,
कि आपकी नाभि भी बहुत अच्छी तरीके से खिंच रही है और सांस छोड़ते हुए हील को ड्रॉप कर दीजिए। सांस लीजिए, वापस से दोनों हाथों को छत की तरफ खींचिए, एड़ी को उठाइए, हाथ को छत की तरफ खींचिए, इतना खींचिए कि आपके दोनों बाजू जो हैं वो कान के पास आ जाए, ऐसे इस तरीके से, और सांस को छोड़ दीजिए। एक बार साइड से देखिए कि बॉडी की अलाइनमेंट ऐसी हो कि आप पीछे की तरफ ना झुके हो ना ही आगे की तरफ झुके हो। उंगलियों को फंसाया, सर के ऊपर रखा, सांस लेते हुए देखिए एक पूरी की पूरी एक लाइन में हो आपका शरीर, ऐसे इस तरीके से। एड़ी को उठाते जाएं जैसे कि आप छत से लटक रहे हो इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए फिर ऐसे ड्रॉप कर दें। तो सांस लेते हुए एड़ी को उठाना है और सांस छोड़ते हुए एड़ी को ड्रॉप कर देना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि सांस के साथ अभ्यास करने में कंफर्टेबल ना हो, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें। ऐसे हाथ को रख लें, नॉर्मल जैसी सांस ले रहे हैं वैसी सांस लें, एड़ी को उठाएं और फिर एड़ी को ड्रॉप कर दें। हाथ को जब उठाएं तो दोनों बाजू कान के पास भी हों। अब बहुत से लोगों के साथ ये भी कंडीशन होगी कि वो ऐसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे, तो आपकी दीवार का हमेशा आप सहारा लेंगे, इस तरीके से दीवार के सहारे खड़े हो जाएंगे और हाथ को सर के ऊपर रख के एड़ियों को उठाएंगे, खींचेंगे छत की तरफ, खींच लीजिए, पूरा खींच लीजिए, और फिर उसके बाद हाथ को इस तरीके से ड्रॉप कर दीजिए। आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे अभ्यास करें, बिना सहारे के, सहारे के साथ, पैरों को अलग करके या पैरों को जोड़ के, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, अभ्यास करना जरूरी है। ताड़ासन का अभ्यास करते वक्त अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो भी जरा ध्यान में रखिएगा कि ताड़ासन का अभ्यास करते वक्त लोग ना ऐसे हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे लेकिन पूरी की पूरी तरीके से बॉडी को ऊपर की तरफ नहीं खींचते। लेकिन इसका करने का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमारी पूरी की पूरी आंतों पर बहुत अच्छा खिंचाव आए और एक एक जो वर्टीब्रा है, स्पाइनल कॉर्ड की जो एक एक वर्टीब्रा है ना, वो अच्छी तरीके से ऐसे खींचे इस तरीके से। तो आप जब भी अभ्यास करें तो बहुत से लोग क्या करेंगे, बाजू को दूर रखेंगे और सिर्फ एड़ी को उठाएंगे और एड़ी को ड्रॉप करेंगे, ऐसे एड़ी को उठाएंगे और एड़ी को ड्रॉप करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि हाथ को प्रॉपर ऊपर की तरफ खींचना है जिससे बाजू कान के पास आ जाए, और इसके बाद जब आप खिंचाव महसूस, जब आप एड़ी को उठाएं इस तरीके से, तो आपको नाभि के आसपास भी इसका खिंचाव महसूस हो, पेट पर पूरा खिंचाव महसूस हो इस तरीके से, ऐसे जैसे कि आप छत से लटक रहे हो, और फिर उसके बाद अपने हाथ को ड्रॉप कर दें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं, जिसमें कि एक घंटे की क्लास होती है, और इस एक घंटे की क्लास को इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया जाता है कि आप आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, किसी अलग अलग दिन आपको क्रियाएँ करवाई जाती हैं, रिलैक्सेशन करवाया जाता है, सो दैट आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। और आपको पता है मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ना, उनको कोई हेल्थ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद नहीं आना, महिलाओं को पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, कंसीव नहीं कर पाती हैं, अत्यधिक तनाव होता है, ऐसी कंडीशन में भी ये क्लासेस उनको बहुत मददगार साबित हुई है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप सभी ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस सुबह 6 बजे से 7 बजे या 7 बजे से 8 बजे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा कुछ कोर्सेज डेवलप किए गए हैं, आप उन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में 1 घंटे की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाती है जो कि एक्सक्लूसिव वीडियो हैं। ये वीडियोज़ आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेंगी, कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। और इस 1 घंटे की क्लास में आपको आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास कैसे करते हैं, ये पूरा सीक्वेंस सिखाया जाता है। अगर आप इन क्लासेस और कोर्सेज के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर मेरी जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। जाइए चेकआउट कीजिए। हम बढ़ रहे हैं दूसरे आसन के अभ्यास की तरफ जिसका नाम है तिर्यक ताड़ आसन। ये आसन भी आपके शरीर में बहुत अच्छा खिंचाव देगा, लेकिन तिर्यक मीन्स साइड बाय साइड हम बेंड होंगे। तो अपने दोनों पैरों के बीच में आपको कम से कम पहला अभ्यास 2 फुट का इस तरीके से फासला रखेंगे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा, उंगलियों को एक दूसरे के करीब लाएं, उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा लें, सर के ऊपर रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अब उसके बाद
सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से छत की तरफ घुमा दें और दोनों बाजू कान के पास आ जाएं। इस तरीके से हाथ को पहले छत की तरफ खींचें। जब आप इस तरीके से हाथ को छत की तरफ खींचते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है पूरी ऊपर की तरफ खींचती हैं। ना सिर्फ रीढ़ की हड्डी बल्कि आपके पेट की मांसपेशियाँ भी जो हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से धीरे 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 लेफ्ट साइड झुक गए और चेहरे को इस तरीके से नॉर्मल रहने देंगे ऐसा। फिर सांस लेंगे, सेंटर पे आ गए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ को आगे की तरफ खींचिएगा और धीरे 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 इस तरीके से ऐसे राइट साइड झुक गए। सांस लिया, सेंटर सामने देखा और सांस छोड़ते हुए जब आप लेफ्ट साइड झुक रहे हैं तो आपकी राइट साइड की पूरी बॉडी में एक्सपेंशन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है और लेफ्ट साइड की बॉडी में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कि फिर दबाव पड़ रहा है। सांस लिया, हाथ को छत की तरफ बार बार खींचिए और फिर उसके बाद साइड बाय साइड झुकते जाइए। इससे आपकी साइड की चर्बी भी कम होगी और साथ ही शरीर में लचीलापन होगा। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से ऐसे। अब बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा कि इतनी दूर पैर रख करके अभ्यास करने में बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि शरीर में अभी भी बहुत ज़्यादा कड़ापन है, तो आप पैरों के बीच में फासला और बढ़ा लीजिए। कितना फासला? जितनी चौड़ी आपकी मैट है ना, इतना फासला इस तरीके से, तो लगभग 2.5 से 3 फीट का फासला करके अच्छा खासा फासला, और आपका बैलेंस अच्छा बना रहे ये ध्यान दीजिएगा कि आप गिर ना जाएं आगे या पीछे, और अगर गिरने का डर है तो फिर वॉल का सपोर्ट लेके अभ्यास कीजिएगा। सांस लिया, फिर उसके बाद हाथ को छत की तरफ खींचा खींचा खींचा, लेंथनिंग हो गई और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे बेंड हो गए। सांस ले लिया, सेंटर देखा और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 जितना झुक सकते हैं साइड बाय साइड ऐसे। फिर सांस लेंगे, सेंटर, सांस छोड़ेंगे ऐसे राइट साइड। अगर ऐसा हो कि आपको सांस लेना छोड़ना ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें ऐसे। और अगर इसमें आप कुंभक का अभ्यास करना चाहते हैं यानी सांस को रोकना चाहते हैं तो सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, कुछ देर रोक के रखिए, 1 2 3 4 5 और सांस ले लीजिए। फिर सांस लिया और सांस छोड़ा, होल्ड किया सांसों को और पोस्चर को, 1 2 3 4 5 और फिर सांस लिया, सेंटर। हमेशा ध्यान रखिए सांसों को सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करेंगे तभी वो योगा अभ्यास है, वरना सिर्फ वो फिजिकल प्रैक्टिस है। हाँ, शुरू शुरू में आप बिना सांसों के अभ्यास के साथ कर सकते हैं क्योंकि शुरू शुरू में इतना आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे अपनी सांसों को। अगर ऐसे बैलेंस ना बने तो दीवार का सहारा लेके दोनों पैरों को अलग कर लें, और दीवार का सहारा लेके अभ्यास करने में भी इस अभ्यास को करने में कोई भी बुराई नहीं है। एक गलती जो अक्सर तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करते हुए मैंने अपनी क्लासेस में देखा है वो ये कि जब आप अभ्यास करते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से तो साइड से ना झुक के वो सामने ऐसे झुकते हैं ऐसे। सांस लिया, सांस छोड़ा ऐसे इस तरीके से, जरा इसको साइड से देखिए, आपको झुकना ऐसे है साइड से लेकिन आप झुकते कैसे हैं ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे। तो आपको एक्टिवेट तो ये सारी की सारी मसल्स करनी है लेकिन आप क्या करते हैं ऐसे साइड बाय साइड झुकने के बाद, इससे आपकी साइड मसल्स नहीं एक्टिवेट होती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि साइड झुके, भले ही ज़्यादा ना झुक पाए, जितना झुक सकते हैं उतना झुके। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन मेरा बहुत फेवरेट आसन है क्योंकि ये हमारे पेट को बहुत अच्छी तरीके से ट्विस्ट करता है राइट एंड लेफ्ट, जिससे कि पेट की आंतों की बहुत अच्छी मालिश हो जाती है और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ रहती है। कैसे करेंगे ये अभ्यास? दोनों पैरों के बीच में आपने लगभग 2 से 2.5 फीट का फासला रखना है ताकि आप अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएँ, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजीशन पे लेके आ जाना है, नाइस एंड स्ट्रॉन्ग ऐसा सामने देखना है। सांस लिया, सांसों को सिंक्रोनाइज करके प्रैक्टिस कीजिएगा। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे पीछे देखना है और ट्विस्ट करना है। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे पीछे देखना है और ट्विस्ट करना है। फिर से देखिए, सांस लिया,
दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाहिनी हिप के ऊपर ऐसे रखना है, ऐसा। सांस लिया और दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ बॉडी के पीछे एंड लुक बैक, ऐसा। सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया सांस छोड़ा, ऐसा। जरा इस अभ्यास को पीछे से भी आप देखिए कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो कैसे अभ्यास करेंगे। सांस लिया और सांस छोड़ा, ऐसे पीछे देख रहे हैं, ऐसे पूरा पीछे ट्विस्ट कर रहे हैं जिससे गर्दन, कंधे, स्पाइन, पेट सब पर इफेक्ट आए। फिर से सांस लिया और सांस छोड़ा, पीछे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे। सांस लिया और कंधे के ऊपर हाथ रखा, ऑपोजिट कंधे के ऊपर, और सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, ऐसे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बहुत से लोग अभ्यास करना चाहते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी अभ्यास करें अगर बिगनर हैं। और लेकिन हाँ, अब गलती भी देख लीजिए कि गलती आप क्या नहीं करेंगे जब ये अभ्यास करेंगे। गलती क्या करते हैं ना कि लोग सांसों को भूल जाते हैं और अभ्यास बहुत फास्ट करते हैं, कैसे, ऐसे 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 ऐसे। ये झटका देना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें आपको उल्टा चक्कर आ जाएगा और शायद आप गिर भी जाएंगे। तो आपको सिंपल सिंपल आराम आराम से अभ्यास करना है। सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया और सांस छोड़ा। अगर आप इस पोस्चर में कुछ देर होल्ड भी कर सकते हैं और इसको और स्लो कर सकते हैं, वो भी बढ़िया काम है। ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ा, ऐसे। तो ये गलतियां मत कीजिएगा, अपना लेवल ध्यान में रख के इन आसनों का अभ्यास कीजिएगा। हर एक आसन, चाहे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन या कटी चक्रासन का अभ्यास सुबह सुबह करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिन में जब भी आपको वक्त मिले आप उस वक्त अभ्यास करें। लेकिन खाली पेट अभ्यास कीजिएगा, रात में इमीडिएट सोने से पहले मत कीजिएगा। हर एक अभ्यास को आप तीन तीन बार ज़रूर रिपीट कीजिएगा, तीन सेट ज़रूर कीजिएगा। एक सेट में कम से कम 5 से 7 रिपीटेशन कर लीजिएगा, इतना आपके लिए इनफ है। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको इन तीनों योगासनों का अभ्यास सिखाया, जो कि है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। आई होप इसका अभ्यास आप हर रोज करें, इनसे मिलने वाले जो स्वास्थ्य लाभ है उनका भरपूर फायदा उठाएंगे। खुद भी अभ्यास कीजिए, अपने दोस्तों को भी खूब मोटिवेट कीजिए कि वो भी योग का अभ्यास करें। बस आपको करना क्या है कि ये वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर देना है, भेज देना है उनको। मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।